तो पार्ट फर्स्ट में हमने HTML पार्ट फर्स्ट का जो एपिसोड था उसमें हमने देखा कि HTML किस तरह से काम करती है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको एपिसोड फर्स्ट में सिखाई, आज एपिसोड सेकंड है और आज HTML कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कल डेफिनेशन लिस्ट ख़त्म हो गई थी, आज है नेस्टेड लिस्ट। तो तीन मैंने लिस्ट आपको बता दी थी, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। अब नंबर है किसका, नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट का भी टाइप देख लेते हैं। देखिए, बॉडी के अंतर्गत चीज़ें लिखी जाती हैं, इतना आपको पता होगा, पिछले वाला एपिसोड देख कर आइए, वरना पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक हमने नेस्टेड लिस्ट लिख दी। नेस्टेड लिस्ट लिखने का तरीका ये होता है, मैं सबसे पहले रन करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक समझ आ जाए, आइडिया मिल जाए। तो ये इस तरह से नेस्टेड लिस्ट बनती है, यानी कि कॉफ़ी, टी, टी के अंतर्गत हमने ब्लैक टी, ग्रीन टी लिखी, ठीक है। फिर हमने तीसरा क्या लिखा, मिल्क। और ये कैसे बना, यहाँ पे देखिए। तो जैसा कि आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए तो आपको समझ आ रहा होगा कि कॉफ़ी, टी और मिल्क ये जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जबकि ब्लैक टी और ग्रीन टी ये भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, लेकिन टी के अंतर्गत हमने ब्लैक टी और ग्रीन टी को बनाया है। तो ये भी टी के अंतर्गत हमने अनऑर्डर लिस्ट एक रखी है जो ब्लैक टी और ग्रीन टी की है। कॉफ़ी, टी, मिल्क ये अनऑर्डर लिस्ट का पार्ट ऑलरेडी थे, लेकिन टी के अंदर हमने एक और अनऑर्डर लिस्ट बना दी जिसमें मैंने ब्लैक टी, ग्रीन टी, इतना आपको समझ आ गया होगा। यही चीज़ हमने कोडिंग में कर दी है। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, ठीक है। यदि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है शुरू से लेकर लास्ट तक एक अनऑर्डर लिस्ट, UL टैग से अनऑर्डर लिस्ट को सिंबलाइज या संकेत किया जाता है, ठीक है। UL टैग यूज किया जाता है, UL से अनऑर्डर लिस्ट बनती है, पिछले वीडियो बता दिया था। तो एक हमने UL से अनऑर्डर लिस्ट का टैग ओपन किया और लास्ट में एक क्लोज किया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये देखिए लिस्ट का टैग होता है, ठीक है। जब कोई लिस्ट हम बनाते हैं तो लिस्ट टैग का यूज़ करते हैं ताकि एक लिस्ट एक सीक्वेंस में बने, ना कि अरे गिरे उधर उधर भागी फिरे घूमे, ठीक है। तो ये लिस्ट है, ओपन टैग मैंने किया कॉपी और बंद टैग कर दिया कॉपी। तो ये अनऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत कॉपी एक बन गया, हो गया लिस्ट में। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे बनी भी है कॉपी, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में कॉपी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें मैंने टी को रखा, लेकिन इस टी को, टी के एलिमेंट, टी के जो लिस्ट टैग को हमने बंद नहीं किया, बल्कि हमने एक और टैग ओपन कर दिया टी के बाद अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि हमें टी के बाद लिखना था ब्लैक टी, ग्रीन टी, ठीक है। इसलिए मैंने लिस्ट बना करके अनऑर्डर लिस्ट का देखिए यहाँ पे टैग ओपन किया टी के बाद और यहाँ पे बंद कभी कर दिया। तो ब्लैक टी और ग्रीन टी मैंने लिख दी इसके अंतर्गत, यानी कि टी के अंतर्गत एक और अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगी जिसमें ब्लैक टी, ग्रीन टी होगी। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि टी की जो लिस्ट थी उसको मैंने यहाँ पे ना बंद करके मैंने यहाँ पे बंद किया है ताकि इसके अंतर्गत सारी चीज़ें ब्लैक टी, ग्रीन टी आ जाए टी के अंतर्गत, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लिस्ट जो है वो बंद हो चुकी है, ठीक है। और फिर मैंने एक तीसरी अनऑर्डर लिस्ट जो हमारी चल रही थी कॉफ़ी, टी के साथ मिल्क भी मैंने बना दिया, ठीक है। तो LI से लिस्ट टैग को लिखा और अनऑर्डर लिस्ट को बंद कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ये इस तरह से बनकर हमारे सामने आ गई। तो कोड आपके सामने लिखा है, करके देखिएगा। ये है कोड, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये है कोड, ठीक है। और मैंने बता भी दिया, करके देखोगे समझ आ जाएगा, कोई बड़ा इसमें वो नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेबल। तो टेबल का ये है टेबल, तो टेबल को ध्यान से समझिए। टेबल कितने प्रकार की होती हैं, आप कहोगे टेबल दरअसल कुल प्रकार की होती हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे तीन तरह के टेबल का बताने वाले हैं। दरअसल ज़्यादातर 90% आप यही तीन टेबल देखते होगे। कौन कौन सी टेबल, एक तो आप ऐसी टेबल देखते होगे जो एकदम सिंपल होती है, ठीक है। दूसरी टेबल आप ऐसी देखते होगे जिसमें क्या होता है कि जो, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ बेसिक। तो टेबल टैग्स यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। इससे आप अपने टेबल का कलर BG कलर से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, और A-line से आप सेंटर में ला सकते हो, बॉर्डर से आप बॉर्डर कर सकते हो, मतलब आसपास लाइन, विथ से आप चौड़ाई डिसाइड कर सकते हो, हाइट से आप ऊंचाई डिसाइड कर सकते हो। फिर वहीं पे TR, अभी आपको नहीं पल्ले पड़ रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बस टैग के नाम बता रहा हूँ, अभी बता दूंगा। फिर आप BG कलर, A-line, ठीक, हटाओ। यहाँ पे बात कर लेते हैं टेबल का। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि टेबल को कैसे, मतलब क्या क्या होता है एक टेबल में। एक टेबल में होती है रो। रो का मतलब ये जो वर्टिकल लाइन आप यहाँ पे देखोगे, ग्रीन, ग्रीन है कि येलो, ब्लू है, हाँ, तो ब्लू ये जो लाइन खींची हुई है ऊपर टेबल में,
तो ये डिनोट करती है आपकी रो को। फिर वहीं पे भी ये जो वर्टिकली चार लाइनें नीचे खींची हुई हैं, ठीक है, वो डिनोट करती हैं आपके कॉलम को। इतना आपको पता ही होगा, यानी कि टेबल यदि सीधा सा देखा जाए तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जिसमें कुछ रो होती हैं कुछ कॉलम होते हैं। जैसे इस टेबल का एग्जांपल ले लीजिए, तो इसमें कितनी रो है, तो इसमें है 5 रो। कॉलम की बात की जाए तो इसमें 4 कॉलम है, समझ गए। और यहाँ पे देखिए जो टैग हैं, इसके लिए अलग अलग टेबल को बनाओगे तो उसके लिए अलग से हमें अकल लगानी पड़ेगी, ऐसे नहीं बन जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे टैग भी डिफाइन किए गए हैं। जब हम यहाँ पे ये लिख रहे होंगे, जिसका टेबल रो जब हम लिख रहे होंगे, तो हम टेबल हेड का टैग का इस्तेमाल करेंगे। देखिए टेबल हेड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये देखिए आपके सामने लिखा भी है, आप समझ रहे होंगे, टेबल हेड टेबल हेड टेबल हेड टेबल हेड, यानी कि कॉलम का जो स्टार्टिंग है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पाड़ा होता है या फिर टेबल होता है, 2 2 4 होते हैं, 4 ऐसे होता है ना, तो 2 जो है ऊपर है, 3 4 5 ऐसे मान लीजिए, और ये हमारी टेबल हेड है। यानी कि ऊपर ये डब्बा जो आप देख रहे हो एक एक सब में ऊपर बना है रो में, ये हमारा टेबल हेड है। इसकी जगह हम कुछ भरेंगे भी, और जो नीचे पार्ट है इतना जिसमें बकवास भरी जाएगी, उसको हम कहते हैं टेबल डाटा। जबकि हम रो में जो 4 कॉलम है जो सबसे ऊपर वाले, उनको हम कहते हैं टेबल हेड, और पूरी कंप्लीट रो को हम कहते हैं टेबल रो, जिसको हम TR से डिनोट करते हैं। जबकि एक टेबल रो, ये देखिए आप टेबल रो में देखिए तो 4 कॉलम है, और सबसे ऊपर वाले जो 4 कॉलम हैं उसको हम कहते हैं टेबल हेड। प्रत्येक को, पूरे सबको मिला करके नहीं, सबको मिला करके कहेंगे टेबल रो, लेकिन एक एक को इंडिविजुअली यदि हम देखें तो टेबल हेड कहेंगे। समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे, अभी कोडिंग होगी तो समझ जाएगा, तो इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी ये कोई ना आपको नहीं बताएगा कि टेबल हेड क्या होता है, रो क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे टेबल बनाकर एक देखते हैं, सबलाइन में चलते हैं, और ये कोड हमारा आ गया। हमने क्या किया, हमने क्या किया, देखिए एक टेबल सबसे पहले टैग का यूज किया, ठीक है, टेबल टैग से टेबल बनाई जाती है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, टेबल टैग से टेबल बनाई जाती है। हमने एक टेबल ऊपर बनाया टैग और एक नीचे बंद कर दिया, तो ये टेबल का मतलब बेसिक काम खत्म हो गया। फिर एक टेबल ये किस तरह की होगी, उसमें हमने बॉर्डर दिया है कि बॉर्डर मतलब बॉर्डर की जो मोटाई है वो 2 रखो, स्टाइल जो है वो बॉर्डर कोलैप्स रखो। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी स्टाइल होगी बॉर्डर, मतलब एक लाइन में ही अच्छी से मतलब आपकी टेबल बनेगी, ये नहीं कि डिब्बे जैसे बन के आ जाए। मतलब आप करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बॉर्डर कोलैप्स करने से क्या हो जाता है, बॉर्डर कोलैप्स से कायदे कानून की टेबल बनती है। तो टेबल रो देखिए वही टैग का यूज किया गया है। देखिए आपने टेबल तो बना दी, टेबल लिख करके आपने टेबल का एक ढांचा तो दे दिया, लेकिन उसके अंतर्गत आप क्या माजरा लिखने वाले हो वो इसको बताओ। तो टेबल रो देखिए, हमने टेबल रो नाम से टैग ओपन किया, एक बंद भी किया है। फिर मैंने क्या लिखा है, टेबल हेड। टेबल रो का मतलब ये है कि आपने इसको ये बताया है कि ये टेबल रो है, यानी कि ये टेबल रो आपने बना दी। ये पूरी जो येलो लाइन आप देख रहे हो टेबल रो, आपने ये बता दिया कि इसकी लंबाई जो है वो क्या होगी, टेबल रो से आपने बस इतना इसको बताया है। समझ रहे हो, ध्यान से समझो, पल्ले नहीं पड़ेगा। तो टेबल रो से आपने क्या बताया कि ये जो पूरी जो ऊपर वाली सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर जो टेबल रो को मैंने बताया कि इतनी लंबाई इसकी होगी टेबल रो, ठीक है, नीचे इससे मतलब मत रखना, मेरे जो कर्सर है उस पर नजर रखिए मैं कहाँ घुमा रहा हूँ। तो टेबल रो का मतलब क्या है कि एक टेबल है उसके सबसे ऊपर जो सारे हेड हैं उनको मिला करके एक टेबल रो बनती है, ठीक है। और तो हमने एक टेबल रो का स्ट्रक्चर दिया। फिर तो उसके बाद टेबल रो में कितने हेड होंगे, यानी कि टेबल हेड कितने होंगे, टेबल हेड और टेबल डेटा में फ़र्क है। टेबल हेड के अंतर्गत हम बकवास लिखते हैं, जबकि टेबल हेड एक हमारी, जैसे आप ऐसे मान लीजिए ऊपर आप कोई टेबल बनाते हो उसमें लिख देते हो नाम, तो वो तुम्हारा टेबल हेड है। जबकि नीचे जो बकवास लिखी जाएगी, स्टूडेंट के नाम लिखे जाएंगे, वो आपका टेबल डेटा का पार्ट होता है, टेबल हेड, समझ गए। और ठीक है, तो टेबल हेड में मैंने क्या किया, मंथ लिखा और सेविंग लिखी, 2 टेबल हेड हमने बनाए मंथ और सेविंग नाम के। इसमें देखिए 3 टैग यूज हुए हैं, टेबल टैग यूज हुआ है, TR टैग यूज हुआ है, जिससे हमने टेबल रो को डिफ्रेंशिएट किया, डिफिनेस डिफिनाइट डिफिन डिफाइन किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे TH यानी कि टेबल हेड टैग को दिया है, जिससे हम एक हेड बनाएंगे, टेबल रो में कितने हेड होंगे। तो जैसे कि इस टेबल में यदि आप देखेंगे तो इसमें 4 हेड हैं,
लेकिन हम यहाँ पे दो ही हेड बनाएंगे, टेबल हेड नाम देंगे, तो उससे टेबल हेड हमारे डिफाइंड हो जाएंगे, इतना हम समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आते हैं ये बकवास की बात, तो बकवास जो होती है वो भी तो टेबल रो में ही लिखी जाती है। हाँ ये फर्क जरूर है कि वो नीचे होती है और ये थोड़ा मतलब उतना डार्क नहीं इसको दिखाया जाएगा, जबकि टेबल हेड को एक डार्क में दिखाया जाता है, जबकि टेबल डेटा के पार्ट को उतने डार्क में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये टेबल डेटा का पार्ट होता है, जैसे आप देख रहे होंगे टी डी टी डी टी बनी हुई है आपके सामने, सब समझ आ रहा होगा क्योंकि मैंने सारे कुछ आपके सामने लिख के रखा है, बस जरूरत है ध्यान से देखने की। टेबल डेटा यहाँ पे देखो सब लिखा है, ये सब टेबल डेटा का पार्ट होता है, जबकि ये ऊपर जो चार डिब्बे हैं टेबल हेड का पार्ट होते हैं। तो टेबल डेटा में हमें क्या चाहिए, मंथ में हमने लिखा जनवरी, टेबल डेटा देखिए लिख गया, ठीक है, मंथ हमारा टेबल हेड है, सेविंग हमारी मंथ हमारा टेबल हेड है, जनवरी हमारी टेबल डेटा है, अब चाहे तो हम फरवरी भी कर सकते हैं वो टेबल डेटा का पार्ट होगा, सेविंग हमारी टेबल हेड है, $100 हमारा टेबल डेटा है। अब इसको रन करके देख लेते हैं और देखिए टी आर टैग हमने बंद कर दिया, ठीक है, टेबल टैग को भी बंद कर दिया, रन करके देखते हैं टेबल लिस्ट टेस्ट बनेगी भी या नहीं। तो क्रोम ये देखिए हमारे सामने लिस्ट बन करके आ गई। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि मंथ और सेविंग नाम के दो टेबल हेड बने, जिसमें मैंने जनवरी और $100 लिख दिया, ठीक है, ये होगा हमारा टेबल हेड, और टेबल हेड के अंतर्गत हमने टेबल डेटा लिखा, ठीक है, बकवास खत्म। अब यहाँ पे आ जाते हैं दूसरी टाइप की हम टेबल देखेंगे, जिसको हम कहते हैं कॉल कॉल, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कॉल स्पैन, ठीक है। तो इसको देखिए इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है वो भी आप समझ लीजिए। टेबल देखिए कुल तरह की होती है, कोई मैं यहाँ पे तीन तरह के केस ले रहा हूँ, ठीक है। अभी ये कॉल स्पैन वाली टेबल होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो तरीका होता है नाम लिखने का वो कुछ अलग टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे जो ये टेबल होती है, इसमें जो कॉलम होता है ना, उसमें यदि आप देखोगे तो टेबल रो जो है उसकी तो लंबाई ठीक है, मतलब उतनी बड़ी है, लेकिन जो इसमें जो कॉलम होता है वो दो भागों में और बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए नाम, अपने नाम को मैंने दो डब्बे में और बांट दिया कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर जो एज का जो पूरा कॉलम है वो अकेला रहता है। तो इस तरह की टेबल कैसे बनाई जाए, है ना, बस इसमें मतलब कोई बड़ा भौकाल नहीं है, बस इसमें थोड़ा लॉजिक चेंज होगा यदि थोड़ा अकल आप लगाओगे। तो नेम में देखो कहा हुआ है कि नेम दो भागों में बट गया है, यानी कि टेबल में टेबल ये हुआ है, समझे, नेम है वो हमारा टेबल हेड है, और जबकि बात की जाए फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये भी हमारा टेबल हेड है, एज भी हमारा टेबल हेड है, इसके अंतर्गत जो भी नीचे लिखा जाएगा वो टेबल डेटा का पार्ट होगा, उससे मतलब नहीं, वो सबको समझ आ जाता है। बात कर लेते हैं आप इस तरह की टेबल कैसे बनेगी। नेम को हमने दो भागों बांटा है, देखिए कैसे टेबल बनती है, हमने सबलाइन में अपना कोड लिख दिया है। तो देखिए टेबल टैग का यूज किया गया सबसे पहले, बकवास वही, बाद में वही टैग को क्लोज भी किया गया है, इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद मैंने टेबल रो एक नाम दिया है, उसके बाद मैंने टेबल रो का जो है जो ऊपर वाली लाइन होती है उसका मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। स्ट्रक्चर में यदि आप देखोगे तो टेबल रो से मैंने टैग ओपन किया क्लोज किया, फिर उसके अंतर्गत मैंने डिफाइन किया कि टेबल रो की स्ट्रक्चर किस तरह की होगी। मैंने टेबल हेड का एक टैग दिया, उसके अंतर्गत मैंने कॉल स्पैन लिखा, कॉल स्पैन लिख करके मैंने दो लिख दिया, मैंने कहा है कि नेम को जो है वो दो भागों में तोड़ दो, यानी कि कॉल स्पैन कर दो, समझ रहे हो, नेम को, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, टी एस टैग टेबल हेड लगाया, एज लिखी, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने टी एस टैग लगाया, कॉल स्पैन किया मार्क्स का, यानी कि जो नंबर है उनको भी तीन भागों बांट दो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, तो मार्क्स जो होंगे वो तीन विषय में हमें बांटने हैं। इसके लिए भी मैंने प्रॉपर इंतजाम कर दिए हैं, कॉल स्पैन से जो है टेबल का जो है कॉलम जो है उसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉल स्पैन, कॉल से मतलब कॉलम, स्पैन, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि कॉल स्पैन टी आर टैग से हमने क्या किया, टेबल की स्ट्रक्चर दी, जो ऊपर वाला पार्ट होता है टेबल का उसकी मैंने स्ट्रक्चर दे दी। अब हमें लिखना पड़ेगा, अब दूसरी जो नीचे वाली लाइन होगी उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसमें हमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जबकि एज वाले को खाली छोड़ देना है, क्योंकि एज वाले में यदि मैंने लिख दिया उसमें लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसको थोड़ा ना तोड़ना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमने फिर जुगाड़ की है कुछ, फिर हमने क्या किया, टेबल रो बनाया, कॉल स्पैन हमने सबसे पहले नाम का दो भागों में किया था, तो फर्स्ट नेम टी एस लग करके टेबल हेड, क्योंकि टेबल हेड का पार्ट ये भी है, अभी ये डेटा नहीं है, अभी टेबल हेड है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में देखिए लिख दिया। फिर उसके बाद एज है, एज को तो हमें तोड़ना नहीं किसी पार्ट में, टी एस हमने टैग का यूज करके खाली छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। फिर मैंने कॉल स्पैन किया मार्क्स को तीन नंबर तीन भागों में,
तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने तीन टी एस टैग का यूज़ किया है और बंद कर दिया है, टी आर टैग को भी बंद कर दिया। अब यहाँ पे फाइनली मैंने जो है फर्स्ट नेम शरद कटियार और इसे जो है लास्ट नेम और फिर एज और फिर नंबर तीनों के दे करके टेबल रो को क्लोज कर दिया। खास बात यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे टेबल टी डी टैग का यूज हुआ है क्योंकि एक डेटा का पार्ट है ना कि हेड का पार्ट है और इसको बोल्ड में नहीं लिखा जाएगा। यही कारण है कि टेबल डेटा का यूज़ किया जाता है जो बकवास एक टेबल के अंतर्गत लिखी जाती है। कोड आप देख सकते हो आपके सामने है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। चलिए रन करवाने की यहाँ पे बारी आ चुकी है। रन करके देखते हैं कैसा लगता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितना कायदे कानून में हमारी टेबल बन के रेडी हो चुकी है। नेम देखिए दो भागों में टूटा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम टेबल हेड का पार्ट था इसलिए ये बोल्ड है। एज हमारी बोल्ड है, मार्क्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बोल्ड है, जबकि बात करें वहीं पे नाम एज जो नंबर्स आए हैं वो हमारे रेगुलर फॉन्ट में है। इतना आपको पता होनी चाहिए स्टाइल के फॉन्ट कितने तरह के होते हैं। तो हमारे ये रेगुलर फॉन्ट फॉन्ट में है, कोई चेंज कोई परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है। समझे, टेबल डेटा का पार्ट था इसलिए टी डी टैग का यूज हुआ था, इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है। नेक्स्ट टाइप की हम टेबल यहाँ पे देखेंगे, एक और टाइप की टेबल होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें कालम ना तोड़ करके हम रो कालम ना क्या यार, मतलब इसमें जो है हम रो को नहीं तोड़ते हैं। इसमें हम जो है रे यार इसमें जो है हम है रो को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो रो में मैंने क्या तोड़ा है, नेम को दो भागों में तोड़ दिया है जबकि एज वैसे ही रखा है। देखा जाए तो सिमिलर है, बस उसमें कॉलम में मैंने तोड़े थे, इसमें रो में तोड़ेंगे। समझे, तो नेम को मैंने फर्स्ट नेम लेस्ट नेम में तोड़ दिया, एज को भी एज को एज इट इज रखा, कोई चेंज कोई परिवर्तन नहीं। ये होता है रो स्पैन, जब हम रो में तोड़ते हैं तो रो स्पैन कहते हैं, कॉलम को तोड़ते हैं तो कॉल स्पैन कहते हैं। इसका भी कोड हमारे पास लिखा होगा, इसको भी हम यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट और वो बवाल को हटाते हैं वरना सब एक ही में हो जाएगा। तो पेस्ट राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया। अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। टेबल टैग हमेशा की तरह अगेन यूज किया, बकवास लिखी, नीचे क्लोज कर दिया। बात आ जाती है रो पे, इसमें जो स्ट्रक्चर है इसका थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें मैंने रो स्पैन टू देखियो लिखा है। रो स्पैन टू का मतलब क्या है कि नेम को दो भागों में तोड़ दो। फिर मैंने लिखा है फर्स्ट नेम टी एच टैग से। ठीक है, देखो नेम को दो भागों में तोड़ दो, ये लाइन बता रही है कि नेम को दो भागों में तोड़ दो। नेम जो हमारा पार्ट है वो टी एच टैग का है, टी एच टैग यानी कि टेबल हेड में जाएगा और टेबल हेड क्या होती है आपको पता है, बोल्ड में रहेगा। ठीक है, तो टी एच टैग का यूज किया, रो स्पैन करवा दिया, दो भागों में तोड़ दो नाम को। फिर मैंने क्या किया, टी एच टैग का यूज किया, फर्स्ट नेम लिखा। ठीक है, फर्स्ट नेम लिखा, फिर उसके बाद मैंने टी एच टैग का यूज किया यानी कि टेबल हेड का पार्ट है। फर्स्ट नेम में किसके किसके नाम आएंगे, टेबल डेटा का पार्ट है, टी डी लगाया टैग शरद और वैसे लिख करके मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने टेबल रो को भी बंद कर दिया। फिर दूसरी चीज आती है रो स्पैन में, अभी नाम को मैंने दो भागों में तोड़ा था, फर्स्ट नेम का टेबल हेड और टेबल डेटा तो दे दिया, लेकिन अभी सेकेंड जो चीज़ तुमने तोड़ी थी उसका भी दे दो। लास्ट नेम टी एच टैग से लगाया और टी डी लिख करके डेटा लिख दिया जो लास्ट नेम का था। ठीक है, फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ एक और रो हो, तो वो एज नाम की रो होगी, टी एच टेबल रो मैंने दिया, टेबल रो में लिख करके एज और जो नीचे जो कि मैंने ये खाली क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा, एज की एज में तो मैं पार्ट टुकड़े करने नहीं है तो वो खलिया रखना है, तो इसलिए मैंने उसको खाली कर दिया और उम्र यहाँ पे दे दी, एज दे दी, चूंकि ये टी डी का पार्ट है इसलिए मैंने टी डी टैग का यूज किया है, जबकि एज जो है वो टी एच यानी कि टेबल हेड मुझे बनाना है। समझ गए होगे, 18 साल 36 साल टी आर टैग को बंद कर दिया। जब भी हम एक रो बनाएंगे क्रिएट करेंगे तो हम टी आर टैग का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कितने टी आर टैग के यूज हुए हैं, यहाँ पे तीन टी आर टैग ओपन किए गए हैं, तीन टी आर टैग क्लोज किए गए हैं। इमेज में भी आप देखोगे तो तीन ही की तो जरूरत है, एक फर्स्ट नेम एक लास्ट नेम एक एच टी आर टैग। समझ रहे होगे, कोडिंग देख लो, ट्राई करो, ट्राई एंड ट्राई अगेन। चलिए रन करते हैं, सेव रन, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो कायदे कानून में प्रिंट हो चुका है। ठीक है, नेम मतलब ये अलग तरह की एक टेबल थी। खैर,
चलिए यहाँ पे अभी ये बवाल होता है ख़त्म। अब यहाँ पे हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी हम सबलाइम को खाली कर लेते हैं। और अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा, क्या होगा वो होगा, वो होगा वो होगा, अब हमारा जो टॉपिक है ईमेल वाला होगा। ईमेल में हम क्या करेंगे कि ईमेल को लिंक कराएंगे कि ईमेल एक कैसे, मतलब ईमेल को कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कॉन्टैक्ट आसान, जैसे मान लीजिए आपको कोई फार्म बनाना है तो कॉन्टैक्ट, हालांकि इसको फार्म वाले में बताना चाहिए था लेकिन चलिए यहीं पे बता देते हैं। और ए हाइपर रेफरेंस एच आर ई एफ इक्वल टू मेल, मेल टू, मेल टू, ठीक है, मेल टू, और मेल टू, और यहाँ पे ये लगा देना, यहाँ पे अपनी ईमेल लिख दो spfcl@gmail.com। तत्पश्चात हम इसको बंद करेंगे और यहाँ पे जो है, हाँ देखो मेल टू लिख करके, ये जो इसका लिखने का तरीका है कुछ यूं होगा, और इसको हम बंद कर देते हैं। और हाँ अब यहाँ पे ईमेल आईडी लिख करके इस टैग को भी बंद करेंगे, ए टैग को tr@gmail.com, और बंद कर देते हैं इस टैग को, बंद हो गया। तो हमने यहाँ पे बकवास की क्या है, बकवास मैंने यहाँ पे ये की है कि कॉन्टैक्ट आसान मैंने लिख दिया है, उसके बाद ए टैग का यूज़ किया है, हाइपर रेफरेंस दिया, हाइपर रेफरेंस में मैंने मेल टू का यूज़ किया, मेल टू यूज करके कॉलन लगाया, कॉलन लिख लिखाने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी दी है, ईमेल आईडी देने के बाद फिर मैंने इस जो ये टैग यहाँ पे ओपन हुआ था इसके अंतर्गत जो भी रामायण लिखी गई वो लिखी, उसके बाद मैंने फिर एक ईमेल आईडी अपनी दी है ताकि ये विजिबल हो आपके वेब पेज पे, और यहाँ पे इस टैग को बंद कर दिया। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपकी जो ईमेल आईडी है उस पे जो भी आप क्लिक करेगा पर्सन वो डायरेक्ट अपने ऐप में चला जाएगा, यानी कि जो भी उसके में मतलब सिस्टम के द्वारा ईमेल आईडी का कोई भी ऐप होगा तो उसमें ऑटोमेटिक वो चला जाया करेगा, कोई ज़रूरत नहीं है बकवासबाजी करने की। ये होता है इसका काम, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ईमेल ये लिख करके आ गई है, रन हो गया कॉन्टैक्ट अस, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मैं अपने जीमेल में चला जाऊँगा जो भी मेरे में इंस्टॉल होगा, देखिए आ भी गया, समझ गए। तो ये काम होता है दरअसल इसका, ठीक है। अरे यार हटाओ, हाँ तो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, बस दिखाने के लिए आपको किया था। और अब यहाँ पे देख लेते हैं मार्की का, मार्की का मतलब ये होता है, तो मार्की टैग का हम यहाँ पे यूज करेंगे, दरअसल टैग वैग कुछ मार्की, ठीक है, तो मार्की का यूज करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे मार्की में जो है ओ बनेगा, ओ मार्की विद, विद दे दो इसकी चौड़ाई इज इक्वल टू 60, तो विद दे दी, डायरेक्शन डिसाइड कर दो। मार्की का काम ये होता है कि नचेगा वेब पेज में, डायरेक्शन 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 यूपी दे देते हैं, यूपी नहीं आप है, ठीक है, और हाइट दे देते हैं, हाइट 1000, 1000 पिक्सल, देखिए हाइट वाइट जो भी है पिक्सल में दिया जाता है, कई बार नहीं भी दो तो भी चल जाता है काम, चलो दे दिया कोई बात नहीं। तो टैग को बंद किया मार्की टैग को, और क्या मतलब आपको नचाना है वो ही बता दो। तो वेलकम टू इनोवेट इंडिया, टैग को बंद कर दो, मार्की टैग को, रन करके देखते हैं कैसा लगता है। तो रन रन, यार ये नचा नहीं, तो क्या गड़बड़ हुई, 1060 पिक्सल, 1000 पिक्सल, 100 पिक्सल करें, ठीक है 60, डायरेक्शन अप, डायरेक्शन अप, और मार्की विद 60, डायरेक्शन अप, हाइट, बाकी तो सब ठीक है। अच्छा एक बार और रन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक बार और रन,
तो ये रन नहीं कर रहा, तो इसको एक बार हम गूगल सर्च कर लेते हैं। मार्की टैग HTML क्या एरर आ रही है? मार्की टैग HTML, मार्की टैग आ गया। तो मार्की, हाँ हाँ आ गया। इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी और सबलाइन में पेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या गड़बड़ थी। ये हमने पेस्ट किया, रन करते हैं तो आप देखिएगा कि इसमें, हाँ गड़बड़ इसमें ये थी कि जो विद थी वो यहाँ पे परसेंट नहीं लगाया था मैंने, जबकि यहाँ पे परसेंट का यूज किया गया है और इसीलिए शायद एरर आ रही थी। तो आप देखिए कायदे कानून में रन करने लगा, परसेंट नहीं लगा था, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाती है। और डायरेक्शन में आप चाहो तो इसको डाउन कर दो, चाहो तो लेफ्ट कर दो, क्या कर दो लेफ्ट, चाहो तो राइट कर दो, क्या कर दो राइट। तो इस तरह से आप डायरेक्शन इसकी चेंज वेंज पेंज जो भी जाओ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मार्की टैग। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट टैग है हमारा आई फ्रेम। आई फ्रेम का काम ये होता है कि एक वेबसाइट के अंतर्गत एक डब्बा बनाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपको अपनी वेबसाइट के अंतर्गत किसी दूसरे की वेबसाइट को रखना है, तो इसके जरिए आप कर सकते हो, उसमें एक अलग से डब्बा बन के आ जाएगा जिसमें उसकी वेबसाइट चला करेगी स्लैश। तो एक वेबसाइट देखिए, जो वेबसाइट इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखती हैं उनकी वेबसाइट को आप नहीं चला सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है जो आप इसको अलाउ नहीं करती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं इसको। तो वो चीज़ डिपेंड करती है कि आप कैसी वेबसाइट को कर रहे हो। तो मैं एक सस्ती टिकाऊ वेबसाइट उठा लेता हूँ, हेट हाइट, हेट नहीं वो हाइट होता है, हाँ तो हाइट 600 पिक्सल, 600 पिक्सल और कॉलन कॉलन हो गया, विद दे दें, विद विद, ये हमने यहाँ पे इसकी विद दी। और विद में हम लिख लेते हैं इसकी भी विद 1200 पिक्सल, ठीक है 1200 पिक्सल, एंड एंड कॉलन, तो कॉलन डबल लग गया, कॉलन हो गया और क्या बचा, हाँ वो लगा दो। ये हमने ऐसे कर दिया, बंद कर दिया डबल कोट को। टाइटल दे दो, टाइटल टाइटल मतलब इस वेबसाइट का जो टाइटल है, तो क्वाइन टेलीग्राफ नाम की एक वेबसाइट है जो न्यूज़ दिखाती है, तो वही बस मुझे पता थी उसी को मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि हर वेबसाइट अलाउ नहीं करती है और न्यूज़ वेबसाइट मोस्टली इन केसेस अलाउ कर देती हैं, तो इसलिए मैंने सस्ती से टिकाऊ वेबसाइट उठाई है। तो रन नहीं, इसमें जो है ठीक है, तो यहाँ पे काम हमारा हो चुका है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे जो है आई फ्रेम टैग का यूज हुआ है, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने किया, आप इसमें वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हो, हाइट चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो, टाइटल चेंज कर सकते हो। रन करके देखते हैं होती है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो है वेबसाइट हमारी इस डब्बे के अंतर्गत स्टोर हो चुकी है। इसका साइज कुछ ज़्यादा ही भौकाल हो गया, तो इसका साइज को थोड़ा कम करते हैं ताकि ये कायदे में दिखे। तो 200 200 की रख देते हैं, 200 इधर करते हैं, 600, 600 पिक्सल, अब सही से दिखेगी पूरा, यार स्क्रीन ही भर दिया, हाँ अब ठीक डिब्बा बना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंतर्गत एक वेबसाइट अपनी वेब पेज के अंतर्गत एक वेबसाइट का डिब्बा बना सकते हो। तो ये होता है आई फ्रेम का। अब हम देख लेते हैं कि HTML की सहायता से हम कैसे एम्बेड करवा सकते हैं अपने ऑडियो को, यदि आपके कंप्यूटर में सिस्टम में ऑडियो है या वीडियो है या PDF है, उसको भी एम्बेड करवा सकते हो, यानी कि लिंक करवा सकते हो अपनी HTML से। उसका तरीका, PDF को यदि आपको अपनी HTML में मतलब लाना है, जैसे इमेज को आप लाते थे, फ़ोटो को लाते थे, उसी तरह से PDF को आप ला सकते हो। सारा कोड आपके सामने लिखा है, आप एम्बेड टैग का भी यूज कर सकते हो, आप आई फ्रेम टैग का भी यूज कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट डाटा टैग टैग का भी यूज कर सकते हो। और ठीक है, यहाँ पे PDF.PDF जो लिखा है, इसकी जगह पर आपको अपनी जो PDF का नाम है उसको आप इंपोर्ट करवा सकते हो, ला सकते हो।
नेक्स्ट बात करते हैं ऑडियो को। यदि आपको इम्पोर्ट कराना है HTML सबलाइम पे, तो आप उसको भी करवा सकते हो। इसके लिए आपको सोर्स src लिख करके, जो horse.ogg लिखा है, इसमें आपको जिस भी फॉर्मेट में आपका ऑडियो हो, ज़्यादातर MP3 में होता है, तो बस हॉर्स की जगह पर उसका नाम लिख लेना .mp3, और ये टाइप audio/mp3, audio/ogg, जिसमें भी आपका हो वो आपको इम्पोर्ट करवा देगा। ध्यान रखना है इसमें से एक का ही यूज़ करना है, या तो horse.ogg का यूज़ कीजिए या फिर horse.mp3 का, जिसमें भी आपका हो। इसलिए मैंने इसको अलग से कलर से रखा है, एक का यूज होगा, दोनों का नहीं होगा। ठीक है, जिसमें भी आपका हो उसको हटा देना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऑडियो कंट्रोल्स ऑटो प्ले लिखा है, तो इससे आपके जो ऑडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। यदि यहाँ पे ऑटो प्ले म्यूटेड कर दोगे तो म्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना है सोर्स src horse.ogg में, यदि आपका वीडियो हो तो ऑडियो हो सॉरी तो उसमें रखिएगा ogg में। यदि आपका जो MP3 में हो तो MP3 वाला सोर्स रखिएगा, दूसरे को हटा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा सेम चीज़ आपको वीडियो के केस में भी करनी है। यहाँ पे विड्थ चौड़ाई ऊंचाई, ऑटो प्ले की जगह आप ऑटो प्ले म्यूटेड करोगे तो वीडियो आपका म्यूट होगा। और सोर्स src में आपको, यदि आपका वीडियो MP4 में है तो मूवी की जगह पर उसका नाम लिख करके इम्पोर्ट करा सकते हो। ogg में है तो ogg में आपको मूवी जो लिखा है इसकी जगह पर वीडियो का नाम लिख कर इम्पोर्ट करा सकते हो। टाइप जो है वीडियो स्लैश ogg यह वही रहेगा, video/mp4 वही रहेगा। ध्यान रहे कि सोर्स src movie.mp4 सोर्स src movie.ogg में से एक का ही यूज होगा, जिस फॉर्मेट में आपका वीडियो हो, और जिसका जिसमें नहीं हो उसको उसको हटा देना है। बाकी वीडियो विद और जो क्लोज वीडियो का जो टैग है वो रहेगा जरूर, ऊपर वाला जो ब्लैक वाली लाइन है, नीचे वाली ब्लैक वाली लाइन जरूर रहेगी। ठीक है, और इसमें भी ऑडियो कंट्रोल्स ऑटो प्ले और जो ऑडियो टैग क्लोज करने का रहेगा, बस ये बीच वाले में से एक चुना जाएगा, जिस भी फॉर्मेट में आपका वीडियो या ऑडियो हो, बीच वाले में से एक चुना जाएगा, जिस भी फॉर्मेट में आपका वीडियो या ऑडियो हो, ध्यान रहे। ठीक है, इतनी सारी हमने बात कर ली। अब यहाँ पे हम लास्ट में आते हैं मुद्दे पर कि इम्बेड कैसे किया जाता है एक यूट्यूब वीडियो को HTML में, यूट्यूब वीडियो को एक HTML में कैसे इम्बेड किया जाता है। तो उसके लिए हम यूट्यूब पे जाते हैं और देखते हैं अपने एक वीडियो को कैसे इम्बेड किया जाता है यूट्यूब वीडियो को HTML में। तो उसके लिए हम यहाँ पे YouTube पे जाते हैं और अपना कोई एक वीडियो उठा लेते हैं, अपना ही उठा लेते हैं, दूसरे का क्या उठा। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हाँ चलिए उठा लेते हैं वीडियो। तो इम्बेड कैसे किया जाता है कि YouTube वीडियो को अपने वेब पेज पे, उसका तरीका हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो एक हम लेटेस्ट वीडियो अपना उठा लेते हैं। उसके लिए देखिए इसमें परमिशन ग्राहक की ज़रूरी है, मतलब जिसका वीडियो आप उठा रहे हो उसकी परमिशन होनी ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने अपना ही उठाया। ठीक है, कोई दूसरे का नहीं है। तो यहाँ पे शेयर की बटन पे आपको क्लिक कर देना, जिस भी वीडियो को आपको इम्बेड कराना है, यहाँ पे आपके सामने इम्बेड का बटन मिल जाएगा, इम्बेड पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कोड लिख करके आ जाएगा, बस इसको यहाँ से उठाओ और जड़ दे जाए वहाँ पे बॉडी में। तो यहाँ पे बॉडी में ये मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मेरा जो वीडियो है देख लीजिए, जो HTML में भाषा प्रयोग की गई है वो HTML ही प्रयोग की गई है। देखा ना किस तरह से YouTube यूज करता है, तो इस तरह से आप लर्निंग में भी काम आ सकता है आपके। तो वही मैंने बकवास यहाँ पे पेस्ट कर दी, रन करके देखते हैं होता भी है या फिर ऐसे। तो हाँ देख लीजिए वीडियो हमारा जो है एम्बेड हो चुका है अब मेरे पेज में। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी करना हो आप कर सकते हो अपने हिसाब से, विड्थ हाइट दे सकते हो, बहुत देर से मैं दे रहा हूँ, आप करके देखिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, वीडियो मान लीजिए हमें जहाँ से स्टार्ट करना है वो इसको बताना है, तो अभी स्टार्ट डेट पर क्लिक करके आपको मान लीजिए बताना है कि ये वीडियो 4 मिनट से स्टार्ट हो, तो 4 मिनट लिखो, उसके बाद कोड कॉपी करो, तो ये वीडियो जो है 4 मिनट से ही स्टार्ट होगा। कॉपी कियो, कॉपी कियो के बाद यहाँ पे गियो और यहाँ पे पेस्ट कर दियो ये जो कोड है, उसके बाद सेव करियो, और उसके बाद यहाँ पे रन करोगे तो ये जो वीडियो आपका 4 मिनट से ही स्टार्ट होगा। देखिए कोई 4 मिनट से डिवाइस स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखिए। ठीक है, जरूरत ये नहीं है, फर्क होता है, लेकिन तो आप इसको बंद करते हैं। और ठीक है, तो इस तरह से एक यूट्यूब वीडियो को किया जाता है। दूसरा यहाँ पर बवाल निकलता है कि एक गूगल के जो मैप है, यानी कि मान लो हम अपनी वेबसाइट में मैप का सिस्टम लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बस जाना है गूगल पर। हम यहाँ पे गूगल मैप सर्च करेंगे और गूगल मैप को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो गूगल मैप को हमने यहाँ पे ओपन किया। देखिए गूगल मैप को कैसे अपनी वेबसाइट में लगाया जाता है वो विद्या हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं।
तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कानपुर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे गूगल मैप ऑटोमेटिक वहीं पे आ जाएगा। और कहीं से हम लगाते हैं वो देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कानपुर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद 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 फिर यहाँ पे इम्बेड मैप आपको दिखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ कोडिंग होगी। अच्छा, आपको मीडियम रखना है, लार्ज रखना है, कस्टम रखना है, अपने हिसाब से साइज को डिसाइड कर सकते हो। मुझे मीडियम चाहिए, मीडियम किया, लिंक को उठाया और जड़ दे जाए वहीं पे बॉडी के अंतर्गत बस। और यहाँ पे पेस्ट, और ये डन, इसको सेव किया और सेव किया सेव किया। और यहाँ पे देख लेते हैं रन करके मैप लगा या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा मैप मेरी वेबसाइट में जुड़ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप मैप को एक लगा सकते हो। तो ये होता है तरीका मैप को लगाने का। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे कि तो वीडियो अभी मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको कि एक अगले वीडियो में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि एक HTML का फॉर्म बनाने के तरीके, हथकंडे, औजार, शस्त्र अस्त्र क्या होते हैं, सारे आपको सिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में लगभग ये HTML जो कोर्स है वो मैं ख़त्म करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का वेट कीजिए। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।